नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फिस्ट पे। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में अभी ओप्पो ने लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन जिसका नाम है ओप्पो F7। तो दोस्तों, ये है कंपैरिजन वीडियो ओप्पो F7 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके लुक्स, स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के बारे में। पर इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे शानदार वीडियोज लाता रहता हूँ। अब दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों के लुक्स और डिजाइन के बारे में, तो जो आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको लगभग सिमिलर सा डिजाइन देखने को मिलेगा। बट रियर की बात करें तो आपको दोनों में सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा और मेटल यूनिबॉडी डिजाइन आपको लगभग देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस में। जबकि अगर आप देखेंगे ओप्पो के F7 के में, तो उसमें आपको सिर्फ प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलेगी। मतलब फिर आपका कुछ ज्यादा इनहेंस नहीं होने वाला है इन हैंड फील। तो अगर हम बात करें दोनों के फ्रंट के बारे में, तो जो उसका फ्रंट आपको देखने को मिल जाता है वो काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा ओप्पो F7 में, क्योंकि इसमें आपको आता है एक ऐसा डिस्प्ले जो कि है 6.23 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, जो कि आता है एक नॉच के साथ। यानी अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी स्क्रीन जिससे आप एंजॉय कर सके, एक ऐसी स्क्रीन का जो हो iPhone 10 के जैसा, तो बिल्कुल वही स्क्रीन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्क्रीन साइज की, तो मैंने पहले आपको बताया कि ओप्पो F7 में आपको मिलता है 6.23 इंचेस का स्क्रीन जो कि है फुल HD। और अगर हम बात करें A8 प्लस की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6 इंच का फुल HD स्क्रीन। और खास बात यह है कि दोनों ही फोन आपको बेजललेस डिस्प्ले के साथ आते हैं, बट जो मेन हाईलाइट है वो थोड़ा आपको नॉच देखने को मिल जाता है। यानी 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा ओप्पो F7 में, जबकि आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस में। अब अगर हम बात करें दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा वो दोनों में लगभग आपको खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट जो प्रोसेसर की स्टेबिलिटी होने वाली है वो काफी बढ़िया होने वाली है 8 प्लस में, क्योंकि उसमें आपको मिल जाता है एक्सिनोस का 7885 प्रोसेसर। और फिर अगर हम देखेंगे ही दूसरी तरफ ओप्पो F7 को, तो उसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P860 प्रोसेसर। तो जो हीलियो P60 प्रोसेसर है, उसको ये समझ लीजिए कि आप जो उसकी बिगनिंग परफॉर्मेंस होने वाली है वो काफी बढ़िया होने वाली है, बट जो अपडेट थोड़े टाइम बाद, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस होती जाती है कुछ समय के बाद, वो होती जाती है स्लोली स्लोली पुअर। यानी फिर स्टेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी मीडियाटेक के इस प्रोसेसर में। अब फिर अगर हम बात करें दोनों के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप आपको खासा अच्छा देखने को मिल जाएगा 8 प्लस में, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 3500 mAh की बैटरी। और अगर हम बात करें यही ओप्पो F7 की, तो उसमें आपको मिलती है लगभग 3400 mAh की बैटरी। यानी फिर जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है रिलेटेड टू बैटरी बैकअप, वो ज्यादा होने वाला है 8 प्लस में, क्योंकि इसमें बैटरी कंजप्शन भी कम है। जबकि ओप्पो F7 में आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है, तो बैटरी कंजप्शन ऑफकोर्स ज्यादा होगा, बट बैटरी कैपेसिटी कम है, तो आपको बैटरी बैकअप देखने को कम मिलेगा। अब दोस्तों, आते हैं इसके मेन हाईलाइट पे। यानी ओप्पो F7 की जो मेन हाईलाइट थी वो था उसका फ्रंट कैमरा। अब अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, तो आपको पता ही है कि आपको ओप्पो F7 में देखने को मिल जाएगा 25 MP का फ्रंट कैमरा, और रियर में आपको देखने को मिलेगा एक 16 MP का रियर कैमरा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें 8 प्लस की, तो उसमें आपको फ्रंट में 16 और 8 MP के दो कैमराज में लेते हैं आपको। अगर 8 प्लस, तो आपको मिल जाएंगे देखने को दो कैमराज जो कि हैं 16 और 8 MP के। यानी आप बूके इफेक्ट शॉट, डेप्थ इफेक्ट शॉट्स का एक्सपीरियंस होने वाला है काफी बढ़िया रिलेटेड टू सेल्फीज। और फिर अगर हम बात करें रेयर में, तो रेयर में भी आपको इसमें 16 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर है F2.2 का। बट अगर अपर्चर को देखें आपको F7 के, तो उसमें जो अपर्चर मिलता है आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। यानी जो लो लाइट शॉट्स आप लेने वाले हैं वो काफी बेटर आपको F7 में आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, आप बात करते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस और ओवरऑल मतलब आपको कौन सा पैकेज काफी बढ़िया देखने को मिलेगा इस पैकेज में दोनों ही स्मार्टफोन में। तो अगर आप एक ऐसे लवर हैं जिसको चाहिए एक अच्छी सेल्फी, यानी ज्यादा मेगापिक्सल्स वाली सेल्फी, और रेयर में भी आपको अच्छा कैमरा चाहिए, और फिर आपको चाहिए एक ऐसा डिजाइन जो कि काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो iPhone 10 से, और आप चाहते हैं कि ऐसे डिस्प्ले वाला फोन जिसे आपको फील मिले iPhone 10 के डिस्प्ले जैसा, तो आप ले सकते हैं ओप्पो F7 को। वरना फिर अगर आप एक सैमसंग लवर हैं, आपको चाहिए सैमसंग का ही स्मार्टफोन और बेजल लेस डिस्प्ले चाहिए, आपको इफेक्ट नहीं करता है नॉच है या नहीं है, बट बेजल लेस डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, बस यही मैटर आपके लिए करता है, तो आप ले सकते हैं। और बैटरी बैकअप की बात करें, तो बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिल जाता है अच्छा, और फिर प्रोसेसर भी आपको काफी बढ़िया है और स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस में। यानी दोनों ही अपनी जगह पे ठीक हैं, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी लेना चाहेंगे, यानी स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा बढ़िया लेना चाहेंगे, तो आपके लिए 8 प्लस काफी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि सैमसंग ब्रांड है, तो मतलब इसके स्टेबिलिटी जो होने वाली प्रोसेसर की तो सही होगी। बट अगर आप एक हार्डकोर यूजर नहीं और आपको प्रोसेसर मायने रखता है, बट बहुत ज्यादा खास मायने नहीं रखता, बस आपको चाहिए एक स्मूथली वर्क करने वाला फोन, तो आपके लिए ओप्पो F7 भी काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें सेल्फी मिल सकती है, नॉच वाला डिस्प्ले मिल सकता है। तो मर्जी आपकी है दोस्तों, आपको जो मर्जी है वो आप खरीद सकते हैं।
और अगर आया हो आपको मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब दोस्तों आप बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है और क्यों लेना है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।